वेलकम टू मैग्नेट ब्रीज जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हंड्रेड परसेंट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है सो so, स्टूडेंट्स आपको यहां पे हर वीडियो के लिए किसी भी तरीके की कोई से भी सब्जेक्ट के वीडियो प्रैक्टिकल्स के लिए कोई भी कॉस्ट पे करने की नीड नहीं होती है सो so, स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम क्लास कंप्यूटर एप्लीकेशन का 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 चैप्टर नंबर जो वेब सर्विसेज वाला टॉपिक था उसी का एक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वेब सर्विस दैट इज ई शॉपिंग अब ई e शॉपिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है क्यों इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर पर्सन आजकल चाहता है घर बैठे शॉपिंग करना अपने फोन का यूज करके टेक्नोलॉजी का यूज करके इंटरनेट का यूज करके ओके okay? और ढेर सारी थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जो ई शॉपिंग प्रोवाइड करती है यूजर्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग तो आप ई e शॉपिंग का यूज करके क्या कर सकते हो घर बैठे बिना कोई शॉप को विजिट किए बिना कोई मार्केट जाए आप ऑनलाइन मार्केट ऑनलाइन वेबसाइट्स का यूज करके ऑनलाइन स्टोर्स का यूज करके अपने अकॉर्डिंग क्लॉदिंग बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ऑनलाइन बुक परचेज करनी है क्लॉदिंग यदि कुछ परचेस करना है शूज परचेस करना है बाइक परचेस करना है जो भी आपको परचेस करना है आप परचेस कर सकते हो बिना कहीं भी जाए बाय यूजिंग योर फोन और इंटरनेट तो ई शॉपिंग को हम क्या कहते हैं ई शॉपिंग को हम ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से भी जानते हैं ओके सो ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग या ई ई बोथ आर सिमिलर फॉर इलेक्ट्रॉनिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग देखा उसी तरीके से आप मोबाइल पीसी लैपटॉप का यूज करके सॉफ्टवेयर्स का यूज करके वेबसाइट्स का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक मींस का यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हो ओके okay, अब शॉपिंग करना तो सभी को बहुत अच्छा लगता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है राइट तो ई e शॉपिंग होता क्या है

शॉपिंग करने वाले हो ठीक है तो इसमें जो प्रोसेस होती है उसी को कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग और ई शॉपिंग जस्ट बेसिक डेफिनेशन बोथ एंड कैन बी थ्रू ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग आप शॉपिंग का यूज करके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों परचेज कर सकते हो समझ में आया प्रोडक्ट्स तो जनरली सब करते ही है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेकिन आप सर्विसेज को भी परचेज कर सकते हो क्लियर सो so, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ई e शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ये चीज ध्यान रखना है आपको बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मर्चेंट इंटरनेट मतलब जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो उसकी शॉप होती है और वो शॉप पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन मर्चेंट्स होते हैं ऑनलाइन स्टोर होती है जो आपको गुड्स को बाय करना और सेल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ओके सो शॉपर्स कैन विजिट वेब स्टोर फ्रॉम कंफर्ट ऑफ देयर कंप्यूटर मतलब यहाँ पे आप शॉपर्स का शॉपर्स से क्या कर सकते हो गुड्स को सर्विसेस को परचेज कर सकते हो एक्सेस कर सकते हो बायूसिंग वॉट बायसिंग कंप्यूटर्स पीसी लैपटॉप आप इन टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो क्लियर सब so बहुत सारी चीजें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में जो हम यहाँ सीख रहे हैं क्लियर हम जो यहाँ पर आज इस वीडियो में देखेंगे सो so, आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखना है यदि एग्जाम में ही शॉपिंग से रिलेटेड कोई चीज आती है डेफिनेशन आती है कुछ पॉइंट्स आते हैं तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके आना है राइट right? अब ई e शॉपिंग के क्या एडवांटेजेस है तो एडवांटेजेस तो सबको पता है बहुत अच्छे से क्या एडवांटेजेस है बाहर कहीं नहीं जाना है घर बैठे शॉपिंग करो अपनी मनपसंद शर्ट करो आप ऑर्डर शूज ऑर्डर करो आप क्लॉदिंग कर सकते हो ठीक है आप बुक्स अपने मनपसंद ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिनका यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हो कहीं जाने की जरूरत नहीं है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आवर्स कभी भी आप शॉपिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो कहां पर ऑनलाइन वेबसाइट्स का यूज करके लेकिन सोचो यही एडवांटेजेस है यही कन्वीनियंस हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीन शॉपिंग प्रोवाइड कर रहा है सो मेजर रीजन कंडक्ट शॉपिंग ऑनलाइन वो कन्वीनियंट होती है कैसे कन्वीनियंट होती टू ड्राइव द स्टोर फाइंड अ पार्किंग प्लेस वॉक थ्रू आउट द स्टोर अंटिल लोकेट दोडक्ट नीड्स ना यही होता है ना यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग प्रीफर नहीं करते हो तो आपको क्या करना है सबसे पहले रेडी होना है मार्केट जाने के लिए फिर आपको क्या करना है पार्किंग ढूंढना है पार्किंग में अपनी गाड़ी प्रॉपर लगाना है फिर वहां से आपको जब तक की आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो परचेस नहीं कर पाओ गुड सर्विसेज तब तक आपको शॉप टू शॉप विजिट करना है यही चीज होती है तो ये क्या होता है कहीं ना कहीं यहां पर हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस कर रहे होते हैं राइट right? हमें अपनी मनपसंद चीज नहीं मिल रही होती है सो so, यहाँ पे क्या है सबसे बेस्ट जो एडवांटेज है ई e शॉपिंग का वो है कन्वीनियंस ओके okay? कि आप अपने अकॉर्डिंग घर बैठे अपने मोबाइल फोन लैपटॉप का यूज करके कोई भी शॉपिंग वेबसाइट का यूज करके आप इजीली एक से ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट को विजिट कर सकते हो और जो आपको अच्छा लगता है आप उसे ऑर्डर कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इज़ इक्वल एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अब यहां पे जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में वेबसाइट्स पे वो क्या होते हैं वो इक्वली एक्सेसिबल होता है ऐसा नहीं है कि आप मेट्रो सिटीज में रहते हो या नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हो तो वहां पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलना है इक्वल एक्सेसिबल होते हैं हर कोई किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकता है परचेज कर सकता है सो ऑनलाइन स्टोर्स आर इक्वली एक्सेसिबल फ्रॉम मेट्रो सिटीज टू नॉन मेट्रो सिटीज टू रिमोट एरियाज विच इज नॉट इन द केस विद द ब्रिक एंड मोटर स्टोर ओके तो जो ईट पत्थर की दुकानें बनी होती है उन केस में नहीं होता है बाकी आप इक्वली एक्सेसिबल कर सकते हो हर एक प्रोडक्ट को ऑनलाइन ठीक है ऐसा कोई वो रीजन नहीं होता है कि आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते वो एक बात अलग है कि स्टोर uh, में अवेलेबल नहीं है क्लियर दस अ पर्सन कैन शॉप ऑनलाइन फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर बींग एनी वर्ल्ड वर्ल्ड में आप किसी भी पार्ट में रहकर कहीं से भी किसी भी सिटी से कुछ भी आप ऑर्डर करके बुलवा सकते हो बाई यूजिंग इंटरनेट बाई यूजिंग ई शॉपिंग टेक्नोलॉजी ई शॉपिंग वेब सर्विस राइट तो आप कहीं भी रहो वर्ल्ड में बट यू कैन परचेज एनीथिंग गुड्स और सर्विस इंटरनेट बाई यूजिंग ऑनलाइन स्टोर और ऑनलाइन शॉप क्लियर समझ में आया अच्छे से सो so, यह होगा इसके एडवांटेजेस नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे शॉपिंग के? अब जहां पे मैंने बताया है कि शॉपिंग एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट है जनरली सभी लोग करते हैं राइट right? और ऑनलाइन शॉपिंग जब से स्टार्ट हुआ है ई e शॉपिंग जब से स्टार्ट हुआ है तो सब लोग क्या करते हैं ई शॉपिंग का ही यूज करते हैं जनरली ओके okay, आपको कुछ खरीदना है आपके पास टाइम नहीं है मार्केट जाने के लिए तो आप क्या करते हो मोबाइल उठाया शॉपिंग वेबसाइट्स खोली बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जिस पे आपको ट्रस्ट है उस वेबसाइट का यूज करते हो आप जनरली आप अमेजॉन का यूज करते हो फ्लिपकार्ट का यूज करते हो है ना और आपने शॉपिंग कर लिया राइट लेकिन यहां पे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं यदि आप केयरफुली शॉपिंग नहीं कर रहे हो तो समझ में आया तो ई शॉपिंग के क्या डिसएडवांटेजेस

समझ में आया? ये ये उनका इंटरेस्ट होता है। इस वजह से भी वो को नहीं कर सकते सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंसिंग द शॉपिंग प्रोसेस नेक्स्ट इट ऑल्सो टू टेक दर्चेंटाइज होम द सेम डे बाय इट अब ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है आज आपने कुछ परचेज किया है तो क्या आज ही वो सेम डे पे आपको मिलेगा नहीं डिलीवर होने में आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है मे बी वन डे टू डे तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है नेक्स्ट अदर पीपल में वरी अबाउट दी शॉपिंग ऑनलाइन बिकॉज दे फियर दे देर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन विल बी कॉम्प्रोमाइज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंटरनेट पे जो क्रेडिट कार्ड जैसे फ्रॉड्स हैं जो क्रेडिट कार्ड जैसे फॉल्ट हो रहे हैं ठीक है उनका पेमेंट चला जाता है वापस नहीं मिलता है ऐसी जो चीजें होती है ना उससे डरते हैं इसलिए भी ऑनलाइन शॉपिंग को फॉलो नहीं करते तो ऐसा होता है जनरली है ना इसके लिए हमें बहुत सारे केयरफुल केयरफुली uh, होकर क्या करना चाहिए अच्छी वेबसाइट्स का यूज करना चाहिए जो सिक्योर है जो सेफ है ताकि आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करें आप सिक्योर चैनल का यूज करें ताकि आप क्या कर सकते हो इजीली शॉपिंग कर सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग का मजा ले सकते हो ओके नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या होगा अनादर रीजन सम कंज्यूमर्स अवॉइड शॉपिंग ऑनलाइन इज दैट फैक्ट दैट दे वरी दैट द प्रोडक्ट्स दे परचेज आर नॉट एक्चुअली एक्यूरेटली पोर्ट्रेड इन द वेबसाइट्स पिक्चर अच्छा शर्ट है, अच्छा है ठीक है।, अब वो बहुत अच्छा लग रहा है वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन बुलवाया तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी तो जो चीज दिखती है ऑनलाइन आपको हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही और वैसे ही अच्छी लगे राइट तो यहाँ पे एक ये डिसएडवांटेज भी होता है कभी कभी कि जो चीज आप देख रहे हो एक्चुअली वो उस तरीके से जैसे प्रेजेंट की जा रही हो वैसे नहीं हो ओके So, this is also a part of disadvantage of e-shopping. A consumer has to rely on body measurements in order to make sure the clothing with filter.

अमाउंट जो भी आपने परचेस किया है वो लॉस्ट हो जाए ठीक है आपकी क्रेडिट डिटेल पेमेंट्स ये सारी चीजों को ई शॉपिंग so, e आपको प्रोवाइड करती है तो कौन कौन सी साइट्स होती है आप सभी को बहुत सारे नाम याद होंगे जिससे आप शॉपिंग करते हो जिसमें कॉमन क्या हो गई है कॉमन जो है वो सबसे पहले फ्लिपकार्ट इंडिया टाइम्सोंग मिंत्रा यहां ओके okay. इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं जैसे मीशो वगैरह अभी बहुत ज्यादा चल रही है ओके सो डब्ल्यू 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 फ्लिपकार्ट डॉट कॉम इंडिया टाइम्स डॉट कॉम स्नैपडील डॉट कॉम जबोंग डॉट कॉम मिंत्रा डॉट कॉम एप डॉट कॉम ये क्या है इनकी ये इनकी यू आर राइट ये इनके वेब एड्रेसेस हैं आप इन वेबसाइट्स का यूज करके प्रॉपरली इन वेबसाइट्स का यूज करके क्या कर सकते हो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो ठीक है दिस आर द पिक्चर्स ऑफ दिस वेबसाइट्स ओके इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपकी बुक में दी हुई है जैसे जयपुर डॉट कॉम जनसा डॉट कॉम पेपर फ्राई डॉट कॉम डॉट कॉम ओके okay, यहां पे आपको हर तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे सर्विसेज मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है आपको uh, जो भी करना है वॉट वर्क यू डू ऑन इंटरनेट जो इंटरनेट की सर्विसेज को आपको यूज करना है वो सब ये प्रोवाइड करते हैं क्लियर हर तरीके ग्रॉसरी से लेकर ओवरऑल थिंग्स राइट सो देर आर ऑल्सो ई शॉपिंग साइट दैट ऑफर सेकेंड हैंड गुड्स टू बी प्रोडक्ट परचेस्ड देखो आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं ऑनलाइन समझ में आया और उसके लिए जो वेबसाइट्स वेबसाइट्स हैं हैं वो बहुत, है, तो बहुत कॉमन right? so, ऐसी वेबसाइट है जो आपको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट भी परचेज करने में हेल्प करती है ओके okay? आप ऑनलाइन रहकर ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आवर्स इसका यूज कर सकते हो अपनी गुड नीड्स uh, को सेटिसफाई करने के लिए अब क्या थ्रेट्स हैं और क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ये तो अभी हमने एडवांटेजेस देख लिए डिसएडवांटेजेस देख लिए कुछ वेबसाइट्स के नाम भी देख लिए जो आपको ई शॉपिंग प्रोवाइड करती हैं लेकिन इसके सिक्योरिटी और थ्रेट क्या है कैसे आप सिक्योर हो सकते हो बेसिकली क्या थ्रेट होते हैं जो यूजर फेस करता है इसमें सबसे पहला जो 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 थ्रेट है है वो गेनिंग एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा वही चीज मैंने अभी बताई कि जो आपका पेमेंट डिटेल है क्रेडिट कार्ड बैंक डिटेल जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है यूजर आई पासवर्ड ये जो सेंसिटिव डेटा है ना इसके हैक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं है ना सो so, अब समझ में आया पहला थ्रेट दूसरा यूजिंग वायरसेस टू करप्ट योर सिस्टम हो सकता है आप जिस सिस्टम से शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो वो वेबसाइट करप्ट हो या आप कोई रॉन्ग वेबसाइट का यूज कर रहे हो ठीक है तो उसमें वायरस हो तो उस वेबसाइट को यूज करने से आपका सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो एक डर ये भी रहता है अनवांटेड स्पैम सजेस्टिंग वाई टू बाय

तो अब क्या होगा कि अनवांटेड स्पैम जो आप नहीं चाहते हो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कुछ हैकर से रिलेटेड भी होते हैं जो यूजर आईडी पासवर्ड को स्टील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। है ना आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे स्पैम में मैसेजेस भी मिलते हैं ठीक है गेनिंग एक्सेस टू योर शॉपिंग हिस्ट्री योर शॉपिंग हैबिट्स आपकी हिस्ट्री भी वहां पर स्टोर हो जाती है जिस वेब ब्राउजर का आप यूज कर रहे हो तो कुकीज़ के फॉर्म में आप किन वेबसाइट्स का यूज कर रहे हो क्या परचेज रहे हो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी स्टोर होती है वो भी हिस्ट्री में एड हो जाती है गेटिंग एक्सेस टू लोकेशन डिटेल्स आप जिस जगह पे परचेस करने वाले हो जहां पे आपका ऑर्डर डिलीवर होने वाला है तो लोकेशन भी कहीं ना कहीं हम सेट करते हैं तो लोकेशन साइट्स डिटेल्स ये सारी चीजें भी वेब ब्राउजर पे सेव होती हैं ओके okay, ये चीज ध्यान रखना है हमें इसलिए हिस्ट्री को हमेशा क्लियर करते रहना चाहिए राइट जो कुकीज होती है ना जो एक स्मॉल विंडो टाइप होती है जहां पे आपको सारी चीजें शो होती है कुछ मेल्स होते हैं क्लियर वो सब आपको क्या करना होता है डिलीट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम स्पेशली स्पैम वाला फोल्डर और हिस्ट्री जैसी चीज क्लियर सो so, ये सारे थ्रेड सा है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं ई शॉपिंग को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं राइट नेक्स्ट सिक्योरिटी कंसर्न अब क्या सिक्योरिटी कंसर्न है ट्रेकिंग द शॉपर कुछ हैकर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं जिस शॉपर की जिस मर्चेंट की वेबसाइट है जिस मर्चेंट का सॉफ्टवेयर है जो क्या कर रहा है आपको ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड कर रहा है उस शॉपर को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं मतलब वो शॉपर किस तरीके से बिजनेस कर रहा है किस तरीके से शॉपिंग प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को उसको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं ओके उसके यूजर आई पासवर्ड को स्टील करने की कोशिश करते हैं जो कैसे करते हैं वो एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करके किसका सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करके जिसे हम हैकिंग भी कह सकते हैं दिस अटैक्स इन वोल्व सरवाइलेंस ऑफ शॉपर्स बिहेवियर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज अगेंस्ट दी शॉपर देखो क्या लिखा है यहां पर वो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करके क्या इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं कि शॉपर का क्या बिहेवियर है ऑनलाइन वो किस तरीके से कस्टमर्स को यूजर्स को ट्रीट करता है कैसे उनसे पेमेंट डिलीवर करता है बहुत सारी चीजें जो उसको देखकर ध्यान में रखकर क्या करते हैं फिर वो उस कस्टमर को हैक करने की कोशिश करते हैं शॉपर को हैक करने की कोशिश करते हैं बात समझ में आएगी इसको क्या बोलते हैं हम ट्रिकिंग द शॉपर ये सबसे फर्स्ट आपका सिक्योरिटी कंसर्न है इसीलिए हमेशा सेफ वेबसाइट का यूज करना है शॉपिंग के लिए नेक्स्ट है स्नूपिंग शॉपर्स कंप्यूटर अब स्नूपिंग का मतलब क्या हुआ देखो ये वर्ड्स ध्यान रखना अभी ट्रिकिंग देखा ट्रिकिंग का मतलब क्या था ट्रीकिंग का मतलब था कि शॉपर की तरह बिहेव करना और उसी की तरह उसको बहुत ध्यान रखना कि वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और उसी की वे में कस्टमर्स को ट्रीट करना और फ्रॉडिलेंस जैसे केसेस को बढ़ाना अब स्नूपिंग का मतलब क्या हुआ मेनी यूजर्स आर अनअवेयर

उनकी इस सिचुएशन का उनकी इस केयरलेसनेस का कि उन्हें सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में पता नहीं उसका बेनिफिट ले लेते हैं और आपके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं राइट right? तो स्नूपिंग का मतलब समझ में आया नेक्स्ट देखो स्नीफिंग द नेटवर्क ये कैसे एक सिक्योरिटी कंसर्न है स्नीफिंग का मतलब क्या हुआ इन दिस स्कीम द अटेकर मॉनिटर्स द डेटा बिटवीन द शॉपर्स कंप्यूटर एंड सर्वर अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का यूज कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का यूज कर रहे हैं ऑनलाइन मतलब कहीं ना कहीं क्लाइंट सिस्टम है और कहीं ना कहीं सर्वर सिस्टम है इंटरनेट ऑनलाइन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है भैया जहां भी आपकी वेबसाइट है जिस सर्वर पे स्टोर है तो वहां पे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी तो यहाँ जो अटैकर्स होते हैं ना इस स्नीफिंग वाली प्रोसेस में अटेकर मॉनिटर द डेटा बिटवीन द शॉपर कंप्यूटर एंड द सर्वर शॉपर का जो कंप्यूटर है और जहां उसका सर्वर है जहां पे डेटा कम्युनिकेट uh, हो रहा है आपका डेटा आपको मिल रहा है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का काम चल रहा है उसको अटेकर क्या करता है उसको अटेकर मॉनिटर करता रहता है ठीक है ही कलेक्ट डेटा अबाउट और स्टील्स पर्सनल इंफॉर्मेशन मॉनिटर करता है ना जो उस अटैकर uh, के लिए बेनिफिट हो राइट right? सो so, समझ में आया अच्छे से ये चीज भी स्निफिंग का मतलब भी समझ में आया कि यहां पे सर्वर से भी डेटा एक्सेस किया जा सकता है वाइल कंप्यूटर और सर्वर के बीच में जब डेटा ट्रांसफर हो रहा हो तब ठीक है स्पेशली द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नेक्स्ट है गेसिंग पासवर्ड अब ये भी एक चीज होती है भाई हर एक मर्चेंडाइज का शॉपर का या हम बोल सकते हैं वेबसाइट पे जब आप यूजर हो कस्टमर हो आप लॉग इन करते हो तो हर एक वेबसाइट आपको सबसे पहले तो लॉग इन की फैसिलिटी देता है कि आप लॉग इन करो हमारी वेबसाइट को विजिट करो जो परचेस करना है परचेस करो जनरली हम लॉग इन करते हैं अपनी ईमेल आई का यूज करते हैं यूजर आई पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर जो अटैकर्स होते हैं ना वो एक कॉमन अटैक होता है गैसिंग द पासवर्ड पासवर्ड गैस करने का उसके अकॉर्डिंग भी आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं सो अदर कॉमन अटैक इज टू गेस अ यूजर्स पासवर्ड स्टाइल ऑफ अटैक इज मैनुअल दोनों तरीके से हो सकती है, okay. है एक्सेस करने के लिए एक टेक्निक है सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक मैंने बताई थी ना अभी तो यह एक टेक्निकॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक आर फिशिंग स्कीम्स इसमें क्या होता है

तो अब जनरली जब यूजर को नहीं पता है कि मिंत्रा की स्पेलिंग क्या है और कौन सी वेबसाइट है ये अटैकर ने क्रिएट की है क्रिएट की हुई है ओरिजिनल और वेबसाइट है तो यहां पर ये जो फिशिंग इसका मतलब ये है कि यहाँ अटैकर सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करके इस तरीके से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल यूजर्स को कस्टमर्स को ऐसा लगेगा कि वो आप ही की वेबसाइट है आप उसे एक्सेस कर सकते हो इसमें क्या है आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाने वाली है बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता

ओके okay, समझ में आया सो so, फिशिंग में क्या करते हैं गुमराह करने की कोशिश करते हैं कस्टमर्स को यूजर्स को ठीक है क्लियर हुआ अच्छे से ना तो ये इतने तरीके के सिक्योरिटी कंसर्न है मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो वन तो आपको सही वेबसाइट का यूज करना है सही वेबसाइट को यूज करने का तरीका होता है उसके पहले आपको ये देखना है कि की लॉक ये जो लॉक साइन रहता है वो लॉक्ड है या नहीं है ओके और जो भी वेबसाइट्स के मैंने अभी आपको नाम बताए वो सेफ और सिक्योर वेबसाइट्स हैं वहां से आप ई शॉपिंग कर सकते हो ठीक है ये क्या शो करता है ये शो करता है आपको एस टी टी पी एस प्रोटोकॉल इट मींस की आप क्या कर रहे हो सेफ सिक्योर वेबसाइट का यूज कर रहे हो ठीक है जो भी इंफॉर्मेशन आपके ट्रांसफर हो रही है सर्वर तक मर्चेंडाइज की वेबसाइट तक वो सिक्योरली ट्रांसफर हो रही है ये मैं पहले भी बता चुकी हूं जब हमने इंटरनेट वाला चैप्टर इंटरनेट बेसिक्स पढ़ा था कि आपको अपने डेटा को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए क्या देखना चाहिए क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए स्ट्रॉग पासवर्ड रखना चाहिए एच प्रोटोकॉल को ध्यान से देखना चाहिए कि वेबसाइट के पहले ये है या नहीं है है ना ताकि आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को क्रेडिट कार्ड बैंक डिटेल्स को इजीली ट्रांसफर कर सके सो so, स्टूडेंट्स यहाँ पे ई e शॉपिंग वाला टॉपिक फिनिश होता है होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया कि ई e शॉपिंग क्या होता है और क्या लिखना है यदि एग्जाम में आता है ओके ई शॉपिंग एक वेब सर्विस सिंपल सी चीज है आपको वेब सर्विस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है जितना मैंने बताया है एग्जाम में इसमें से ही आने वाला है कि ई शॉपिंग की डेफिनेशन फीचर्स एडवांटेज डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या हो सकते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होंगे ओके okay. और क्या क्या वेबसाइट्स होती हैं कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जिनका यूज करके आप ई शॉपिंग कर सकते हो सो so, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों क्योंकि मैग्नेट ब्रेन आपको 100% परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और दो से तीन वीडियोस देखने के बाद में या चैप्टर्स देखने के बाद में भी आपको कोई पेमेंट नहीं करना है फ्री ऑफ कॉस्ट इट मीन 100% परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एजुकेशन सो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप यूट्यूब के साथ साथ मैग्नेट से भी एक्सेस कर सकते हो कुछ नहीं करना है मैगनेट ब्रिंस डॉट कॉम टाइप करना है और यहाँ जाना क्लास टेन सिलेक्ट कर लेना जैसे ही क्लास टेन सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट पे जहां आपको क्लास टेंथ में पढ़ाए जाने वाले सारे टीचर्स के सब्जेक्ट शो होंगे अब यहां पे यदि आपको एक्सेस करना है कंप्यूटर एप्लीकेशन तो क्लास टेन कंप्यूटर एप्लीकेशन में वॉच नाउ पे क्लिक करना है जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की प्ले पर और यहां आपको मिलेगी पूरी प्ले क्योंकि हम कंप्लीट कोर्स हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं राइट हमारा कंप्लीट कोर्स हो चुका है ये लास्ट चैप्टर हम यहां पर पढ़ रहे हैं राइट तो आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो लेक्चर्स बाकी सभी चैप्टर्स के भी एचटीएमएल वगैरह के भी वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिकल सब कुछ अवेलेबल है वन शॉर्ट वीडियोस, एमसीक्यूज एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर हियर आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है जिस भी वीडियो पे क्लिक करोगे वॉचनाओं पे क्लिक करोगे तो आप का जो भी डाउट होगा कुछ इस तरीके से क्लियर हो जाना है वीडियो प्ले होगी स्टूडेंट्स सो मैग्नेट ब्रेन आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है फिर से बता रही हूं। और एक गुड न्यूज है कि मैग्नेट ब्रेन ने अब इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम का भी चैनल स्टार्ट कर लिया है सो so, जो आपके फ्रेंड्स हैं हिंदी मीडियम के आप उन्हें जल्दी से जाके बताइए कि हिंदी मीडियम भी मैग्नेट ब्रेन्स पे शुरू हो चुका है कुछ नहीं करना है जैसे आप एक्सेस करते हो इंग्लिश मीडियम मैग्नेट ब्रिंस का चैनल उसी तरीके से आपको चैनल्स पे जाना है हिंदी मीडियम को सिलेक्ट कर लेना है और उसके भी सारे वीडियो लेक्चर आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सो मैग्नेट ब्रिंस किडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो सो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेब सर्विस के साथ तब तक के लिए स्टे स्टेटर स्टे हैप्पी थैंक यू सो मच